तो हेलो लोगों, कैसे हो? स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। तो यार आज हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम शहर के गांव के गली से निकलते हुए हमारी एक टैलेंटेड दीदी के बारे में। जी हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा है। आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम के रील्स के एक और बैडेस्ट गर्ल के बारे में। और मैंने बैडेस्ट क्यों बोला है वो तुम बाद में समझ जाओगे। तो यार मिला हमारे ठरके लोंडे के दिल में राज करने वाली ठरकेश दीदी से। जी हाँ, ठरकेश दीदी, भाई तुम सोच भी नहीं सकती ये कितनी ठरकी है। मतलब तुम एक टाइम के लिए इमेजिन करो, तुम में इतनी ज्यादा ठरक भरी कि तुम जॉनी सिंस को भी फेल कर दो। लेकिन जब तुम इसका वीडियो देखोगे ना, तुम्हारे मन में रिग्रेट लगेगा कि नहीं बहन, जो इंस्टाग्राम इतना भी गिरा हुआ नहीं था जितना इस दीदी ने बना दिया इंस्टाग्राम को। भाई तुमको दिल से रियलाइज होगा कि एकमात्र अच्छा और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बचा था जिसको इन्होंने गंदा कर दिया, जिसको इन्होंने गंदगदी से भर दिया, न्यूडिटी से भर दिया। तो लंडो बिना तुम्हारा टाइम खाते हुए और मेरा वॉच टाइम बढ़ाते हुए लगाते अपना इंट्रो। एक ही पटाओ लेकिन मस्त पटाओ, बिल्कुल मेरे जैसी। नहीं दीदी, माफ करिए मेरे को, मैं जिंदगी भर अपने टैंग और चाली के साथ बिता लूंगा। अगर मेरे टैंग और चाली की लकड़ी मिट जाती है ना, मेरे पंकज को घस घस के मैं उन पर टैटू बनवा लूंगा। लेकिन ऐसी लड़की कभी नहीं पटाऊंगा जो मेरे साथ पूरे ब्रह्मांड को चरम सुख से रूबरू करवाए। वल्ला हबीबी, हम नहीं सुधरेंगे कभी भी। दीदी आपके हरकतें और सोशल मीडिया पे नंगा नाच देख के ना, मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा कि आप कभी नहीं सुधरोगे और ना ही आप कभी सुधर सकते हो। और अगर गलती से भी आपके दिमाग में सुधरने का ख्याल आ गया ना, तो ये जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे आपको सुधरने के लिए। और फिर बात वही है ना कि आप सुधर गए तो ठरकी लौंडों को अपना ठरक बुझाने के लिए पौन आपका दरवाजा खटखटाना पड़ जाएगा। और उन ठरकियों को इतना मेहनत अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इंस्टाग्राम खोल के आप ही का वीडियो देख लेते हैं। भाई मैं दिल से बता रहा हूँ, जब मैंने दीदी के इंस्टाग्राम पे ये वाला वीडियो देखा ना, तो मेरे को लगा था नहीं भाई, दीदी पूरी ढकी हुई है, कुछ इनोवेटिव करेगी, कुछ नया करेगी, कुछ अच्छा करेगी। लेकिन नहीं, गलती दीदी की नहीं, गलती मेरी ये चूतिया। मैं और दीदी ने पहले बोल दिया था कि ये कभी सुधरेगी नहीं, तो मैं इनसे अच्छे की उम्मीद कर भी कैसे सकता हूं। दीदी आप कंटिन्यू करो, बहुत मजा आ रहा है सबको। और यार हमारी दीदी ने अपने इंस्टा बायो में दिया डिजिटल क्रिएटर। दीदी राजकुंद्रा के साथ कोई फिल्म साइन किया था? और अगर किया था तो बायो में अपनी फिल्म का लिंक दे दो, लौंडे परेशान हो रहे बहुत दिनों से। यार गलती इसकी बिल्कुल भी नहीं है, गलती इसके माँ बाप की, जो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में इतना ज्यादा डूबे रह गए कि इसको बताना भूल गया कि सोशल मीडिया की नकली दुनिया के बाहर भी एक असली दुनिया एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे रहने के लिए तुमको इज्जत और पैसा दोनों जरूरी है। और यार ऐसा नहीं कि दीदी के पास पैसे नहीं है, दीदी ने पैसे नहीं कमाए, दीदी ने पैसे बहुत कमाए लेकिन अपने इज्जत को बेच के कमाए हैं। और ऐसे पैसे को अपने गांड में घुसा लो, वो ज्यादा बेटर रहता है। और दीदी साड़ी का दुपट्टा छाती ढकने के लिए यूज होता है, उसको दिखाने के लिए नहीं। इनके साथ को नहीं पता हो इसलिए बता दिया। जब चार लोग तुम्हारी बुराई करने लग जाए ना, तो समझ जाना वो चारों लोग मादरचोद है। हाँ, और उन चारों लोगों की माँ ये होगी। मेरे बच्चे जब फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या चीज थी यार मम्मी भी। भाई इसको पूरा विश्वास है कि इसके बच्चे भी इसी की तरह नीच बेशरम और ठरकी होंगे। और दीदी आपके जैसे हरकत है ना, मेरे को नहीं लगता कि आपसे कोई शादी करना भी चाहेगा। और चलो दुनिया गोल है, अगर मान लो आपकी शादी हो भी जाती है, तो आपके बच्चे जब आपका इंस्टाग्राम खोलेंगे ना, तो उनको प्राउड तो नहीं होगा, लेकिन वो भगवान से ये बात जरूर पूछेंगे कि भगवान मेरे से क्या दुश्मनी था जो इस औरत के कोख में मेरे को जन्म दिया। एक टाइम के लिए मेरे को कुत्ते का बच्चा बना दिया, तो मेरे को एक गरीब घर में जन्म दे दिया होता, लेकिन इसके कोख में जन्म देना वाज अ बैड चॉइस भगवान। साला मेरा हर एक दोस्त मेरे से लिंक मांगता है इसका। दीदी अगर आप इस गलत फैमिली में हो ना कि आपने ठरकी लौंडो का चूतिया काट दिया ये हरकत करके, तो आई एम सॉरी। इतने देर में तो उन्होंने आपका एक वीडियो पोस्ट कर आपके साथ पूरा मूवी बना दिया, और ऐसा मूवी बनाया जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। नहीं, आप सोच सकते हो, आपके जैसे हरकत है उसे गंदा भी सोच सकते हो, मेरे को कोई डाउट नहीं है आप पे। भाई सुफियान सारी और सैसी पूनम तो मार्केट में ऐसे बदनाम, असली बैड गर्ल तो ये है, असली टैलेंटेड गर्ल तो ये है, असली कंटेंट क्रिएटर है ये। सुफियान सारी, सैसी पूनम और शिल्पी आंटी जैसे और 100 मिलाओ ना, तो जाके एक ये बनेगी। यार तुम अगर इसका इंस्टाग्राम खोलो और इसके वीडियो देख लो ना, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुमको लगेगा बहन जो इतना गिरा हुआ तो कोई नहीं था इंस्टाग्राम में। और दीदी अगर आपके मन में इतना ठरक भरा हुआ है ना, तो इंस्टाग्राम छोड़ और पॉर्नहब ज्वाइन कर लो, वो ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है आपके लिए। और जिस वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं अपने यूट्यूब पर कभी नहीं चला सकता, यूट्यूब मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक पेल देगा। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो, लौंडो प्लीज कमेंट करके जाना। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं चला कुछ ऐसे वीडियो ढूंढने जिनको मैं गाली दे सकूं या फिर रोस्टिंग कर सकूं, बाय। और चलो अगर तुमने अभी तक उस रेड बटन को ग्रे नहीं किया ना, तो माता रानी पॉप लगाएगी, हराम खोरो, बाय।